भारत की हार के बाद देश भर में मायूसी छाई। विश्व कप फाइनल में खिताब जीतने से चूक गए रोहित शर्मा। रोहित की आंखों में दिखे आंसू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका सिटी वेब न्यूज में। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 240 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाकर मैच को जीत लिया। कंगारू टीम के लिए ट्रेविस हेड ने 141 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। मानस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। मिचेल मार्श 15, डेविड वार्नर 7, स्टीव स्मिथ 4 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 2 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व विजेता बना है। वहीं भारत का तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। उसने टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 11वें मुकाबले में टीम पिछड़ गई। भारत को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार 2003 में रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली टीम ने हराया था। विश्व कप में सौरव गांगुली की तरह विश्व कप फाइनल में खिताब जीतने से रोहित शर्मा चूक गए। भारत की हार के बाद देश भर में मायूसी छा गई। स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस की उम्मीदों को झटका देकर भारत को चैंपियन बनते देखने का सपना चकनाचूर हो गया। वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते समय रोहित भी अपनी भावनाओं पर नहीं काबू पा सके और उनकी भी आंखें नम हो गई। ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते समय रोहित की आंखों में आंसू दिखे। बात करें मैच की तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए। रोहित ने 47 रन की तेज पारी खेली। वहीं कोहली ने 54 रन और केएल राहुल ने 66 रन की पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश से जुड़ी हर बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे सिटी वेब के साथ।